देखेंगे आगे वीडियो में कि क्या होने वाला है अगर गरम तेल में इन तीनों टूथपेस्ट को तले तो। बारी बारी से सबको अलग अलग तलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो पर। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस तरह की वीडियो शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। अगर देखी भी होगी तो इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर मैंने ले रखा है तेल, कुकिंग ऑयल या मीठा तेल भी बोलते हैं इसे। तो ये रहा कुकिंग ऑयल या मीठा तेल भी बोल सकते हैं। आज हम इसमें तलने वाले हैं कुछ शानदार और लाजवाब चीज़। आपने कहीं तेल में भजिया तलना सुना होगा या आपने तले भी होंगे, पर गरम तेल में हम तलेंगे आज कोलगेट मैक्स फ्रेश। यस, जी हाँ दोस्तों, साथ में कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ जो हम तलेंगे। उसके बाद में दंत क्रांति। तो फ्रेंड्स, तीन तीन टूथपेस्ट हम यहाँ पर तेल में तलने वाले हैं। तो देखेंगे आगे वीडियो में कि क्या होने वाला है अगर गरम तेल में इन तीनों टूथपेस्ट को तले तो। बारी बारी से सबको अलग अलग तलेंगे। आप घर पर बिल्कुल ट्राई ना करें इस तरह का कुछ भी एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम तेल को गरम करेंगे। तो ये हो गया हमारा गरम तेल और इसमें हम डालेंगे अब कोलगेट टूथपेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हो, गरम तेल में जैसे कोलगेट डालते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसमें मिल जाता है। कोलगेट को डालने से गरम ऑयल में, गरम तेल में ये इस तरह का कुछ असर दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें बिल्कुल घुल जाता है ये कोलगेट मैक्स फ्रेश। देखते हैं इसको डालने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये भी यही, इसको डालने से ये भी एकदम घुल गया अंदर। और अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है इस गर्म ऑयल में से। तो अब हम डालेंगे इसमें दंत क्रांति, ठीक है फ्रेंड्स, पतंजलि का। तो देखते हैं ये डालने से क्या होता है। तो इसमें धुआं बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रहा है फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल काला काला हो गया तेल ऑयल ये। तो फ्रेंड्स जैसे हम कोलगेट डालते हैं इसमें, ये इसमें घुल जाता है और इसमें से जो धुआं निकल रहा है वो बहुत ही बदबू मार रहा है। या इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप घर पर बिल्कुल ट्राई ना करें। और भी आइए, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट, अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन।